पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए न दुनिया, अरे खूब समझ बूझ कर दीवाने हो। किसको देखने पहुँचे हैं? प्रधानमंत्री। क्या नाम है जानती हैं? नरेंद्र मोदी। किसको देखने आए? श्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। किसको देखने आए? नरेंद्र मोदी को। जानती हैं मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी रोड पर नहीं, बिहार का सौभाग्य है कि आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री 24 घंटा हमारे यहाँ टाइम दे रहा है। 12 तारीख को वो आ करके ये मैसेज दे रहे हैं कि 12 बजा दिया गया है विपक्ष वालों का। नीतीश कुमार ने किया, बीजेपी के साथ मिलकर दोनों किया है। 4 जून को आप देखेंगे कि विपक्ष वाले चारों खाने चित नजर आएंगे। तेजस्वी के घर में नौकरी था। हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। बिहारी अपना बलबूता पर जीता है और लालू जी के रीजन में बिहारी गाली सुनता था, दूसरे राज में जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना रोड शो करने आ रहे हैं। देखिए अभी से थोड़ी देर बाद इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौक बंद कर दी गई है। सभी तरह के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, आदि आबादी सभी लोग आए हैं। हम एक एक करके उन लोगों से भी जानने पहुंचे हैं। कई बच्चियां भी पहुंची। किसको देखने पहुंचे हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को। क्या नाम है जानती हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या नाम हुआ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। किसको देखने आई हो? श्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। हाँ। जानती हो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री। हाँ। देखिए बच्चे आए हैं देखने के लिए मोदी जी को, हर तरह के, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? वेरोनिका। क्या? वेरोनिका। वेरोनिका। किसको देखने आई हैं? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को। हाँ। जानती हैं मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री हैं। हाँ। देखिए बच्चे बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं, महिला भी आई हैं देखने के लिए। कैसा लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं अपने शहर में? अच्छा लग रहा है? सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है और मेला लगा हुआ है, लग रहा है कि नवरात्रि का मौसम उस तरह से लगा हुआ है। मोदी जी के इस बार वोट करेंगे? हाँ करेंगे। भाजपा करिए कि 400 पार हो जाएंगे? होगी भाजपा इस बार 400 पार। चलिए एक और, इंडिया गठबंधन का कहना है कि फ्लॉप तो चल रहा है, हालांकि दूसरी ओर महिलाओं का देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम जो है वो उमड़ रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करने की उधर कोशिश करेंगे। कई लोग इधर हैं, हम उनसे एक एक करके, चूंकि जो वोट करने वाले हैं वो है। मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करेंगे? रामराज आयल है। रामराज है, है। रामराज है तो तेजस्वी कह रहे हम नौकरी देते हैं। कहने दे दीजिए, 15 साल में उनको बाबूजी क्या दिए? चरवाहा विद्यालय दिए बिहार के, और क्या दिए? उनके रेलवे में बहुत काम किया, कहे मंच, जमीन लेके नौकरी दिए, और क्या दिए? आज जेल में है, चुनाव मुखिया के भी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, और कुछ मुखिया का भी चुनाव लड़ने लायक नहीं है। 15 साल देश का सेवा किए, बिहार का, देश का नहीं, देश का तो सपना ही है। लालू जी आज वो पोस्ट करके लिखे हैं कि बिहार की जनता ऐसी हालत कर दी मोदी जी की, मोदी जी को अब रोड पर आना पड़ा है। मोदी जी रोड पर नहीं, बिहार का सौभाग्य है कि आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री 24 घंटा हमारे यहाँ टाइम दे रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे बिहार को नीच देखता था, और आज हमारा बिहार 15 साल में नीतीश जी थोड़ा इधर उधर पलट के गड़बड़ा दिए हैं, और नहीं तो अभी जितना विकास कर रहा है भारत में कोई भी राज नहीं। बिहारी अपना बलबूता पर जीता है, और लालू जी के रीजन में बिहारी गाली सुनता था, दूसरे राज में जाता था। तो अच्छा, अगर बिहार में कोई बिहारी बिहार से बाहर जाकर गाली सुनता है तो उसका जिम्मेदार लालू जी कौन? हाँ, 15 साल में सारा कंपनी लालू जी बंद करवाए। हम पहले किसी भी राज में नहीं था, दूसरे राज के लोग हमारे यहाँ, झारखंड जब था ना तो दूसरे राज के लोग यहाँ नौकरी करने आते थे, और आज बिहार सारा कंपनियाँ बंद करवा दिए लोग, तो बिहार के लोग दूसरे जगह जा रहे हैं नौकरी करने। चलिए बिहार में कंपनियाँ बंद करवा दी गई, इस वजह से लोगों को जाना पड़ रहा बाहर। किसको वोट करेंगे इस बार? अभी हम सोचे नहीं है। सोचे नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं सर इस बार? बीजेपी। बीजेपी को। लालू जी कह रहे हैं कि कुछ किए हैं मोदी जी, मोदी जी खाली वादा करते हैं, लंबा लंबा फेंक के चले जाते हैं, कुछ किए नहीं है, रोड पर आ गए इस बार। चश्मा, लेंस और चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ। बिना विकास से पूरा सुने सुने विकास जब नहीं हुआ। पहले 15 साल पहले घर से निकलने के बाद समझ 5 बार समझना पड़ता था, 5 बजे के बाद। आज आपको घर से कहीं 100 किलोमीटर दूर कोई सोचने की बात नहीं है। आज आप बुलेट लेकर आप चले जाइएगा,
उस समय सोचना पड़ रहा था। यशवी जी आए तो नौकरी दिए 17 महीना में 17 लाख। नीतीश वो अपने घर से दे दिए नौकरी दिए काहे नहीं भाजपा काहे नहीं दे दी कहा भाजपा दे नीतीश पार्टी कौन है कहते थे हम बिहार को पर्यटन स्थल में विकसित कर रहे हैं कब 17 महीना 17 महीने में तो कहते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल। हाँ अच्छा देखिए ना इसके बाद एक बार इस बात पर रुकिए। आप भाई साहब को नहीं उतना समझ में आता है तेजस्वी के घर में नौकरी था इसी बात के लिए जो ये नीतीश जी थे जो वो करने लगे 2 नंबर का काम ये वैकेंसी में उन्होंने अब तुरंत पार्टी को छोड़ दिया कि ये काम हमसे नहीं होगा। ईमानदार आदमी वो पार्टी को छोड़ दिया बोला कि ये काम हम करने नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी बहुत ईमानदार हैं भले वो अपने इसके लिए कुछ भी करें। वो ऐसे ही 15 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग बाहर आते थे हमारी बेटी बहन बाहर आती थी सब घर के अंदर आती थी 4 बजे 5 बजे के बाद कोई रोड में चलता था ये अटल पथ बना इसके अंदर में हम लोग 4 बजे पकड़ मार देता था अटल पथ के ऊपर जो रेलवे लाइन था ये विकास किसी ने किया तो नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने किया बीजेपी के साथ मिल के दोनों किया है आज भी वही करेगा आज भी कितना हूँ लोग टांग उठा ले लेकिन उसी का राज होगी वही राज करेगा बिहार के लोगों को नौकरी वही देंगे बिहार विकसित वही करेंगे बिहार सारा काम उसी के जिम्मे है वही करेंगे जो भी करना होगा। तो चलिए जो काम करना होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तेजस्वी यादव ने केवल और केवल लंबे लंबे वादे किए हैं हमारे साथ। भाई साहब है कैसा माहौल है इस बार 400 पार होगा कि नहीं? बिल्कुल इसमें कहीं से कोई दोहरा नहीं है। 4 जून को आप देखेंगे कि विपक्ष वाले चारों खाने कित नजर आएंगे और आज ही 12 तारीख को वो आकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि 12 बजा दिया गया है विपक्ष वालों का। तो यकीनन इस वक्त केंद्र की असल में लोकसभा चुनाव है केंद्र की सरकार को चुनना है तो इस लिहाज से पूरे भारत की जनता बहुत समझदार है। ये कोई राज का चुनाव नहीं है देश का चुनाव है और इस वक्त देश और दुनिया के नंबर वन कोई नेता है उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए और जहां पे आप बिहार में ले रहे हैं तो मैं यूँ समझ सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जब इसमें आए तो ये समझ में आ गया कि हमारा पीएम भी लाजवाब हमारा सीएम भी लाजवाब उम्र दराज ही आदमी होगा जो तजर्बा से भरा हुआ इंसान होगा वही भारत जैसे जिसमें कितने जात और कितने धर्म के लोग रहते हैं उसको चला सकता है। उसी तरीके से बिहार में को भी चलाने के लिए यहाँ इतने जात और धर्म की के लोग रहते हैं उसमें नीतीश कुमार जी यहाँ के हरदिल अजीज़ है। यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त हमारा पीएम भी लाजवाब हमारा सीएम भी लाजवाब। इसलिए मैं एक शेर और आपके माध्यम से देता हूँ कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए न दुनिया अरे खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए। तो देखिए उधर हम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो लोग हैं भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं और हाथों में तस्वीर लिए देखिए हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पीएम मोदी हाथ में महावीर मंदिर राम मंदिर की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कमल निशान नजर आ रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे होंगे। देखिए जो लोग हैं मोदी को चाहने वाले हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इनकम टैक्स गुलंबर की तस्वीर है हम आपको एक एक करके सारी तस्वीरें दिखा रहे होंगे। तब तक के अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।